आगे बढ़ते हैं। काले धन के कुबेरों पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 378 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामलों की सुनवाई होनी है। ऐसे में मामलों में लिप्त कौन कौन लोग हैं और उनकी कितनी संपत्तियां हैं, ये रिपोर्ट देखिए। आर्थिक अपराध करने वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे जिस माध्यम से धन बना रहे हैं वो माध्यम ही उनकी जान का जंजाल बन जाएगा। बात चाहे आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी आरपीएफ के आईजी पुष्य मित्र सिंह देव और उनकी पत्नी अनीता सिंह देव की हो, या खान घोटाले में लिप्त आईएएस अशोक सिंघवी की हो, या फिर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के कोलायत के महाजन फायरिंग रेंज में जमीनें खरीदने वाले जय प्रकाश बगड़वा और अशोक सिंह की, बात बारूद के ठेकेदार शिव चरण हैडा की हो, या फिर अजमेर डेयरी के अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा की, सभी जगह कहानी एक ही है। सब जगह प्रयास सिस्टम को चपत लगाने की ही रही। इन आरोपियों पर अन्य एजेंसियों के अलावा अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी शिकंजा कसा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामलों की सुनवाई करने वाली राजस्थान की एकमात्र अदालत सांप्रदायिक दंगे और पीएमएलए में ऐसे एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करने अर्थात राजसात करने की कार्रवाई हो रही है। सूत्रों का कहना है कि इन सभी मामलों में प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए में भी कार्रवाई करने का दावा पेश कर रखा है, जबकि कुछ मामलों में विभिन्न सरकारी एजेंसियां आरोपियों की संपत्ति पर उनके संबंधित कानून में कार्रवाई कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरपीएफ के आईजी पुष्य मित्र सिंह देव और अनीता सिंह देव के खिलाफ 58 लाख, सिंडिकेट बैंक घोटाले में सीए भरत बम और प्रॉपर्टी कारोबारी शंकर खंडेलवाल के खिलाफ 302 करोड़ 66 लाख, खनन घोटाले में आईएएस अशोक सिंघवी पर 2 करोड़ 55 लाख, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के कमल मेहता पर 8 करोड़ 53 लाख, ज्वेलर शांति कुमार चौरड़िया, उमराव मल चौरड़िया और वैभव चौरड़िया पर 28 करोड़, ओरो ट्रेड इंडिया नेटवर्क के सत्येंद्र उर्फ राहुल शर्मा एवं अन्य पर 5 करोड़ 50 लाख, भविष्य क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी उदयपुर के दामोदर नागदा व अन्य के खिलाफ 4 करोड़ 38 लाख, आरसीडीएफ के उप प्रबंधक सुरेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ 7 करोड़ 90 लाख, पीडब्ल्यूडी के जेईएन शिव नारायण जोशी 2 करोड़ 65 लाख, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लिए जमीन की खरीद मामले में जय प्रकाश बगड़वा व अन्य के खिलाफ 8 करोड़, नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में राहुल और मुकेश भारद्वाज के खिलाफ 1 करोड़ 54 लाख, बारूद ठेकेदार शिव चरण हैडा व अन्य के खिलाफ 1.5 करोड़, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्त सलाहकार नरेंद्र कुमार तवर के खिलाफ 5 करोड़ सहित कुल 378 करोड़ 79 लाख की वित्तीय अनियमितता के मामले दर्ज हैं। केंद्र सरकार ने काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने की जो पहल की है उसमें ईडी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब कुछ ऐसे मामलों में तो ईडी खुद से कार्रवाइयां कर रहा है, चूँकि ईडी को आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। ऐसे में काले धन के कुबेर संबंधित विभाग के आगे खुद ही समर्पण कर सकती हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि ये तय है कि आने वाले समय में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में ईडी के कुछ सनसनीखेज खुलासे होंगे। काले धन पर लगाम की कड़ी में एसीबी और सीबीआई के साथ अब ईडी ने भी कदम ताल मिलाई है। इस मामले में पीएमएलए में ईडी ने 375 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर नजरें गड़ाई है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आखिर बड़ी मछलियां कब तक ईडी के जाल में फंसती है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।